एवरीवन, वेलकम टू द कैप्सूल सीरीज। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो कैप्सूल नंबर 16 है। बेसिकली क्वेश्चन बहुत इजी था जो मैंने क्लेबिन से दिया था, बट इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनोलेट्स, ये कंसेप्ट इनोलेट आपको क्लेबिन अगर आप पढ़ोगे तो इनोलेट बेसिस आपको 3 से 4 चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म को समझना है तो आपको इनोलेट केमिस्ट्री को समझना बहुत बहुत नेसेसरी है। अगर आपने इनोलेट्स की केमिस्ट्री को समझ लिया तो फिर आपके लिए रिएक्शन मैकेनिज्म को लिखना बहुत इजीएस्ट हो जाता है, क्योंकि एज अ इंटरमीडिएट आपको काफी सारी रिएक्शन में एज अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट देखने को मिलते हैं। सो इनोलेट की जो अगर हमने बेसिक जो स्टार्टिंग चैप्टर्स में पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि इनोलेट में 2 सेंटर्स होते हैं। एक होता है जहां पे ऑक्सीजन पे हमेशा जो आपके हार्ड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो अटैक करते हैं, और डबल बॉन्ड कार्बन पे आपके हमेशा सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, जो भी हम रिसेंट चैप्टर कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं एल्काइलेशन ऑफ इनोलेट्स। एल्काइलेशन ऑफ इनोलेट्स फंक्शन होता है आपके इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन का। मतलब एल्काइलेशन ऑब्वियस है कि कैसा होगा, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा। तो इनोलेट के साथ में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आपको कोई भी इसका इनोलेट को चाहिए तो इनोलेट ऑब्वियस एक इंटरमीडिएट, ये फास्टेस्ट रिएक्शन करने की पॉसिबल ट्राई करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आप देखोगे एल्डोल कंडेंसेशन। इसके पहले भी आपने एल्डोल कंडेंसेशन बहुत बार पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है कि इनोलेट स्टेबल नहीं रहता, अपने सेम एल्डिहाइड कंपाउंड से रिएक्ट करके एल्डोल कंडेंसेशन दे देता है। इससे पहले अदर कंपाउंड्स के बारे में भी हमने इनोलेट्स के पढ़ा। अगर हमें इनोलेट फॉर्मेशन करनी है और उसका एल्काइलेशन करवाना है तो उसके लिए बेस्ट टेक्निक होती है कि वी यूज एलडीए एंड उसकी या फिर कोई भी अदर बेस। सबसे अच्छा है वैसे एलडीए बेस को माना जाता है, क्योंकि ये लो टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है और आपका इनोलेट लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबल रहता है, तो आप उस पर इजिली एल्काइलेशन करवा सकते हो। और एलडीए के बाद में आप कोई भी अपना एल्काइलेटिंग एजेंट हम यूज कर लेते हैं। ये हमारा नॉर्मल एल्काइलेशन प्रोसेस होता है। बट अगर अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो क्वेश्चन में वी आर यूजिंग एल्डिहाइड। तो जो एल्डिहाइड के इनोलेट्स होते हैं उसमें एलडीए इतना कंसिडरेबल नहीं होता, एलडीए को हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इतना इसके बाद में भी आपका फॉर्मिंग जो इनोलेट होता है वो स्टेबल नहीं रहेगा, और वो सेम एलडीहाइड कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके एल्डोल कंडेंसेशन दे देगा। दैट्स द रीजन। इसके लिए हम अदर अपने बेसिस को यूज करते हैं, जिसमें कि हम एजा इनोलेट हुए और आपके इनामिन्स हुए, इनको हम यूज करते हैं। सो ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। बेसिकली जब हम इनामिन की फॉर्मेशन करते हैं, ये भी हमने पढ़ा है, इनामिन की फॉर्मेशन करते हैं तो वी आर यूजिंग 2-डिग्री एमिन। जब भी हम इनामिन बनाते हैं तो 2-डिग्री एमिन यूज करते हैं, और यही इफ वी आर यूजिंग 1-डिग्री एमिन देन यहाँ पे क्या फॉर्म होगा हमारा, एज अ इनोलेट। सो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है, पर दोनों ही एज अ इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं हमारे एल्काइलेशन के लिए। देखो जो ये हमारा 2-डिग्री हमारा एमीन है, ये क्या करेगा यहाँ पे, इनामिन की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आपको बेसिक मेरे को ये कंसेप्ट समझाना था कि हमने यहाँ पे इनामिन को यूज क्यों किया है। ठीक है, तो हर तरह के कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है, नाउ सी यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म हो गया, ये हमारा इनामिन फॉर्म हो गया। ठीक है, अब देखो इनामिन फॉर्मेशन के बाद में क्या होता है कि नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दे कैन मूव, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो हमारा एल्काइलेटिंग एजेंट है उस पे रिएक्ट करके यहाँ पे एल्काइलेशन की रिएक्शन देंगे। जनरल सी रिएक्शन है, आप सबको पता है। अब ये जो यहाँ पे कंपाउंड हमारा बनेगा उसमें देखो, यहाँ पे इस साइड पे हमारे ये पूरा इनामिन आपका अटैच हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे और यहां से ये हमारा क्या हो गया, एल्काइलेशन 1, 2 एंड 3, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे H2O इन H+ यूज किया है। ये क्या करता है, आपका जो इनामिन ग्रुप था उस पूरे को रिमूव करेगा और फिर से आपको क्या दे देगा, एल्डिहाइड दे देगा। सो यहाँ पे आपको बेसिकली C डबल बॉन्ड OH या फिर CH देखने को मिलेगा। तो जो आपका कंपाउंड बना, ये एक आपका फर्स्ट कंपाउंड बना A, और ये आपका कंपाउंड बना B। ये ऑप्शन राइट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर C आपने से सबने सही आंसर दिया। मेन चीज यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो ये है कि हमने क्यों यूज किया, एलडीए क्यों यूज नहीं किया। मेनली जो क्वेश्चंस मुझे जनरली आते हैं ना, वो यही आते हैं
कि हम स्पेसिफिक रिएजेंट्स क्यों यूज करते हैं, एलडी क्यों यूज कर रहे हैं, इनामिन क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ये रिएजेंट यूज क्यों नहीं हो सकता, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है और उसको समझने के लिए आपको इनोलेट्स को समझना बहुत नेसेसरी है। इसके अलावा भी इनोलेट के आपके एल्काइलेशन के बहुत सारे तरीके मेथड्स है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। सो होपफुली कैप्सूल सीरीज आपके कंसेप्ट को रिवाइज करने में हेल्प कर रही होगी और क्लेटन सीरीज आपको कंसेप्ट को समझने में हेल्प कर रही होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स मेरे लिए इंस्पिरेशन होते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब कमेंट्स आते हैं, दिल से खुशी होती है। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।